20 News is brought to you by Saika Motors Private Limited and Current Kothari Jewelers. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाई गई है, गृह मंत्रालय ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है। दिल्ली में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता में एक बैठक होने वाली है। विधानसभा चुनाव के सुगबुगाहट के बीच झारखंड में फिर एक बार प्रवर्तन निदेशालय की टीम द्वारा राजधानी समेत झारखंड के कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अपनी सियासी जमीन तैयार करेगी। मुस्लिम बहुल मालेगांव में सार्वजनिक कार्यक्रम में अखिलेश यादव शामिल होंगे। बम की धमकी मिलने के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। बीजेपी ने अपने 3 नाराज विधायकों को भोपाल बुलाया है। सत्ताधारी पार्टी के विधायकों की नाराजगी के कारण पिछले कई दिनों से अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने इस्लामिक कट्टरपंथी तत्वों के बेहद गंभीर मामले वापस ले लिए हैं। चंडी पाड़वो उत्सव से पहले सूरत में घारी मिठाई तैयार की जा रही है। शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन 17 अक्टूबर को सूरत में यह त्यौहार मनाया जाएगा। इसराइल रक्षा बलों ने ट्वीट किया कि कल हिजबुल्ला आतंकवादी संगठन द्वारा लॉन्च किए गए एक यूएवी ने सेना के अड्डे पर हमला किया है। पश्चिम बंगाल में निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने आज से 48 घंटे की आंशिक काम बंदी का आह्वान किया है। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड की मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच करी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा फैसला लिया है। मुंबई आने वाले हल्के वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में प्रवीण लोनकर को पुणे से गिरफ्तार किया है। शुभम लोनकर लॉरेंस गैंग से जुड़े शुभू लोनकर का भाई है। महाविकास आघाड़ी ने महायुति गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को वर्तमान सरकार से मुक्ति दिलाना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि वे हमारा समर्थन करेंगे। मुंबई में रविवार को फिर हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखा गया है। इसी बीच आज मौसम विभाग ने पालघर, ठाणे, धुले और नासिक जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के लिए बजट और वित्तीय प्रावधान की कोई स्पष्टता नहीं है। बीएसई का सेंसेक्स बाजार खुलते ही 250 अंक पर ऊपर चला गया और बैंक निफ्टी में 91.95 अंक की तेजी दिख रही है। वहीं निफ्टी बाजार खुलते ही 100 अंक ऊपर चला गया है। राजकुमार राव की रिसेंट फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो में श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टारर स्त्री 2 के कुछ सीन्स का इस्तेमाल किया गया है। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की निजी जिंदगी काफी उतार चढ़ाव से भरी रही है। हालांकि अब वो टीवी से निकलकर फिल्मों की तरफ बढ़ रही है। दिवाली पर वो सिंघम अगेन में नजर आने वाली है। बाबा सिद्दीकी की शनिवार को हत्या कर दी गई थी, वही अब हर कोई सलमान खान की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। ऐसे में एक्टर की फैमिली ने बड़ा फैसला लिया है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।